नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। इस बारे में हमने कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, और आज एक नए टॉपिक पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। यहाँ से बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो मैं दोनों को आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कौन कौन मंत्रिपरिषद का भाग है और कौन कौन मंत्रिमंडल का भाग है। ठीक है, और इनके बारे में क्या अंतर है, ये दोनों समझेंगे इस बात को। यहाँ से एक दो नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तुम्हें, बिल्कुल समझ आएगा मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय। एक क्वेश्चन तो यही पूछा लिया जाता है, भारत में कैसी है? तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। इस बात को याद रखना कि संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ खुद देख लो तुम कि जो वास्तविक शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में। जो भी काम करता है प्रधानमंत्री ही करता है, राष्ट्रपति कैसा है? बस नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वास्तविक शक्ति किस में है? प्रधानमंत्री में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाता है। किसके साथ? मंत्रिपरिषद के। तो समझते हैं मंत्रिपरिषद क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो को तुम लास्ट तक देखते रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के तीन भाग हैं। देखो, समझो मंत्रिपरिषद के कितने भाग हैं? तीन भाग। एक होता है पहला भाग, इसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। समझते रहना एक एक चीज़ को, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलकर क्या होते हैं? पहला भाग है ये मंत्रिपरिषद का है। तो कैबिनेट मंत्री को समझते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो भी बड़े मंत्रालय हैं जैसे रक्षा, गृह मंत्रालय आदि का जो प्रमुख होता है ना, वो कैबिनेट में आते हैं, उनको क्या कहता है? कैबिनेट मंत्री। और ये अपने विभाग संबंधी, जो कैबिनेट का मंत्री है ना, बड़ा मंत्री है, वो अपने विभाग के निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने विभाग के, जैसे रक्षा मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, गृह मंत्री हमारे अमित शाह, अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कैबिनेट मंत्री तुम समझ पाए होंगे पूरे। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलकर, मैप से समझो, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलकर एक जो कहा जाता है उसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो ये बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर, तो कई बार तुमने सुना होगा टीवी में या न्यूज़ में देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ जब मंत्रिमंडल की बैठक की, मंत्रिमंडल में कौन है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में, कैबिनेट में कौन कौन है? रक्षा, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आदि एक दो बड़े मंत्रालय के मंत्री वो होते हैं, कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री मिलकर एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का ये भाग है। और मंत्रिपरिषद का दूसरा भाग है राज्य मंत्री। अब ये राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, अगर देखो कैबिनेट मंत्री ये बड़ा मंत्रालय है, मान लिया रक्षा मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय हैं, तो इन मंत्रालयों की सहायता करने के लिए इन मंत्रियों के सहायक मंत्री बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। सहायक मंत्री क्या है? राज्य मंत्री। ऐसा समझ रहे होंगे तुम, हर एक राज्य में एक मंत्री बनाया जाता है, हर एक राज्य में मंत्री नहीं होता है कैबिनेट का, तो कुछ बना दिए जाते हैं कि उन्हीं सभी राज्यों में क्या करना है तुम्हें, सहायता करनी है। ठीक है, अब राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री होते हैं और दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, वे स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। स्वतंत्र प्रभार को समझते हैं। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि कुछ जो राज्य मंत्री हैं वो सीधे कनेक्ट किससे हैं? कैबिनेट से, कैबिनेट मंत्रियों से। तो इनके ऊपर जो प्रभुत्व है ना राज्य मंत्रियों के, वो किसका है? कैबिनेट मंत्रियों का। तो ये अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये किसकी सहायता करेंगे? कैबिनेट मंत्री की। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो होते हैं वो अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। इस बात को समझ लो। ठीक है,
तो ये जो स्वतंत्र प्रभार के हैं ना, ये एक छोटे छोटे मंत्रालयों के, बड़े मंत्रालय के नहीं, ये छोटे छोटे जो मंत्रालय हैं उनके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। मतलब जैसे कैबिनेट के मंत्री अपना निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार के जो राज्य मंत्री स्पेशल बोले जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि ये भी कैबिनेट के मंत्रियों के बाध्य नहीं है, ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। लेकिन इनके मंत्रालय कहाँ है, काफ़ी छोटे छोटे मंत्रालय हैं, ज़्यादा बड़े मंत्रालय नहीं है। कैबिनेट मंत्रियों के पास बड़ा मंत्रालय होता है और राज्य मंत्री उनके सहायक होते हैं। ये बात तुम समझ पाए होंगे पूरे अच्छे से। तो तीसरा पार्ट होता है मंत्रिपरिषद का उपमंत्री। अब उपमंत्री को समझ लेते हैं क्या है। उपमंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री, उपमंत्रियों को कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री के सहायता के लिए कैसी प्रशासनिक राजनीतिक, है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्री भी इनकी सहायता के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। समझ गए इस बात को। देखो तो अब तुम बात समझो यहाँ से कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में जो बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं प्लस प्रधानमंत्री, ये मिलकर एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। और ये मंत्रिमंडल प्लस राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और उपमंत्री, सब मंत्री मिलकर एक मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है कि इस मंत्री परिषद के अंदर ही एक मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री से बनता है। और कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो बड़े मंत्रालय के होते हैं और अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इतनी बात तुम समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। अब तुम अच्छे से समझ गए होंगे मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है और कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है। तो अब अनुच्छेद 74 को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। मंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में 74, अनुच्छेद 74 कहते हैं राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद, अब मैं बार बार जो मंत्रिपरिषद कर रहा हूँ तो इसका मतलब तुम समझ गए हो मंत्रिपरिषद कौन है। तो सब कुछ, तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये हमारे अनुच्छेद 74 में संविधान निर्माताओं ने पहले ही लिख दिया था कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सलाह कैसे कैसे काम करना है, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 से। और जिसका प्रधानमंत्री होगा, परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, इस बात को समझाता हूँ मैं कि भैया एक मंत्रिपरिषद तो होगी, मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 से क्या आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति मतलब नॉमिनेटेड करेगा। अब होता कैसे है, मान लिया ये जनता है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो हम यहाँ जनता वोट डालती है, वो प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती, वो अपने क्षेत्र के, है ना, एमपी को वोट देती है, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद को जिता के भेजती है। ठीक है, अपने क्षेत्र से सांसद को जिता के देती है और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ये सांसद करता है यहाँ पे, यानी एमपी करता है। और प्रधानमंत्री जब जिस पार्टी का बहुमत हो जाता है, अलग अलग पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं देश में, ठीक है, और जैसे हमारे, मैंने राज्य लोकसभा में बताया था कि 550 सीटें हैं और उसमें जितने पर बहुमत होगा, जौन सी पार्टी अपनी बहुमत सिद्ध कर देगी, कि मान लिया बीजेपी ने 2019 में अपना बहुमत सिद्ध किया था, तो फिर राष्ट्रपति क्या कहेगा इस पार्टी को कि भैया तुम्हारा बहुमत सिद्ध हो गया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करो। तो जो एमपी जीत कर गए थे ना या सांसद, उनमें से एक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, वो कहेंगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, इसको हमने नियुक्त कर दिया। वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब कि प्रधानमंत्री को वो मेंबर क्या बताएंगे कि भैया ये क्या है, हमारा प्रमुख है और इसको क्या कर दो, प्रधानमंत्री नियुक्त, तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वहाँ राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है और जो उसको तुम जिता के भेजते हो वो क्या है, उसका निर्वाचन। तो तुम अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस बात में एक और चीज़ है यहाँ से कि नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो सांसद तुम्हारे जिता के भेजे थे, उन सांसदों ने तो एक नियुक्त कर दिया कि ये तो हमारा पीएम है, ये तो प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री कहेगा कि भैया जो जो सांसद जीत के आए ना मेरे साथ, इनमें से इसको तो मैं गृहमंत्री बनाऊंगा, इसको
क्या बनाऊंगा, रक्षा मंत्री, इसको रेल मंत्री, इसको ये बनाऊंगा। तो ये सब प्रधानमंत्री बताएगा किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उनको क्या बना देगा, मंत्री बना देगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति इन सांसदों की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। और इस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फिर सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो तुम बिल्कुल समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन 91 में, 2003 में, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, समझाता हूँ। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। जितने मंत्री बनाने ना, ऐसा नहीं है कि तुम पूरे पूरे कैबिनेट को मंत्री बना के रख दोगे। कितने हो सकते हैं मंत्री, बस जितनी संख्या है ना तुम्हारी, मान लिया 550 थी हमने पढ़ा था, उसका 15% ही तुम क्या बना सकते हो, मंत्रियां बना सकते हो। पूछा जाता है कि अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। चलो तुम समझ पाए होंगे अच्छे से। तो 75 से क्या होगा, ये सब चीज़ें। और 75-2, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यतन तक कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 75-2 क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, मतलब क्या है इस चीज़ का, प्रसाद पर्यतन तक, कि भैया जब तक राष्ट्रपति चाहे ये सब तब तक ही काम कर सकते हैं, अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये क्या है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा भी सकता है। कैसे कैसे हटा सकता है, कि भैया अगर ये प्रधानमंत्री, ये कोई जो तुमने बहुमत सिद्ध किया ना, वो गठबंधन से सरकार आई थी और उसने अपना बहुमत खो दिया, क्या कर दिया, बहुमत खो दिया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री को हटा देगा, ठीक है, किससे, अपने पद से। तो जब तक राष्ट्रपति बहुमत बना हुआ है, कुछ नियमों और शर्तों के साथ काम कर सकते हैं, अगर ये नियम और पालन नहीं होते हैं, बहुमत खो देती है, तो फिर उनको प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यतन तक वो अपने सभी प्रधानमंत्री और सभी मंत्री कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाता है, तो स्वतः ही ये मंत्री अपने पद का कार्य कोई निर्णय नहीं ले सकते, जब तक कि नया मंत्री बन ना जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 75-3, अनुच्छेद 75-3 में कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आता है कि बताओ मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद मैंने पढ़ाया तुम्हें क्या होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होती है। अगर तुम्हें सामूहिक रूप से पता करना मंत्रिपरिषद, क्योंकि सारे मंत्री जनता ने तो चुन के भेजे थे, तो सारे मंत्री सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप से किसके होंगे, राष्ट्रपति के, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 क्या कहता था कि एक मंत्रिपरिषद होगी किसके सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से किससे रिलेटेड हैं, राष्ट्रपति से, और सामूहिक रूप से जनता से, क्योंकि जनता ने चुन चुन के भेजे, अपने अपने क्षेत्र से चुन के जा रहे, तो सामूहिक रूप वाला तुम्हें समझ के रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों, बस शब्दों का फेर है, सामूहिक और व्यक्तिगत, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75-4, अनुच्छेद 75-4, पद ग्रहण करने के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। तो भैया जो प्रधानमंत्री बनेगा और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री बनेंगे, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वो सब अपनी पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ किसके सामने लेंगे, राष्ट्रपति के। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की चीज़ें तुम्हें क्लियर हो चुकी होंगी। अनुच्छेद 75-5, ठीक है, 75-5 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो मतलब संसद आया तो किसी सदन का, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है, कई सार बात पूछी जाती है ये चीज़ें। ये कहता है, चलो 75-5 और डिस्क्रिप्शन करता हूँ मैं इसके बारे में, समझाता हूँ कि अगर तुम
मंत्री बना दिए प्रधानमंत्री ने कि तुम्हें क्या बना दिया, मंत्री, और तुम किसी का सदस्य नहीं हो, ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो, ठीक है, तो तुम मंत्री तो बन जाओगे लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें सांसद बनना पड़ेगा, या तो तुम्हें लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अनिवार्य है, नहीं तो तुम्हें पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कितने महीने के अंदर मुख्यमंत्रियों को किसी सदन की सदस्यता लेने की आवश्यकता होती है, तो 6 माह के अंदर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि तुम सांसद का चुनाव हार जाते हो फिर भी तुम्हें मंत्री बना दिया जाता है ना, तो 6 महीने के अंदर तुम्हें अतिरिक्त प्रभार लेना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 78 से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायक मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित में राष्ट्रपति को सूचना दे, ठीक है। अगर तुम ये अनुच्छेद 78 पहले ही लिख दिया है इसमें कि जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने काम की राष्ट्रपति को क्या देगा, सूचना, कि बताएगा मैं ये करना चाहता हूँ राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति इसकी सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि भाई बता मुझे क्या काम है, तो वो राष्ट्रपति बाध्य है इस चीज़ के लिए कि क्या होगा, अनुच्छेद 78 से उसे बताना होगा किसके कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, यहाँ से सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी ज़्यादा, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ते हैं प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है, सलाह देगा कि इसका त्यागपत्र दे, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे दे, क्यों, ठीक है, या राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को क्या कर दो, बर्खास्त कर दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये बात तो हम पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अच्छे से समझाइए तुमने। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, ठीक है, अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। तो बात को यहाँ से समझना, अगर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र छोड़ दे, यानी ये कैबिनेट थी तुम्हारी मंत्री और तुमने ये चुन लिया था, ठीक है, प्रधानमंत्री, और इस प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया अथवा इस प्रधानमंत्री की यहाँ पे किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद, जितने तुमने मंत्रिपरिषद में चुने थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वयं ही विघट, ये क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अन्य मंत्री भी कोई मंत्री कोई काम नहीं कर सकता जब तक ये तुम्हारा प्रधानमंत्री ना चुना जाए। अब यहाँ से एक बात और समझो, अगर तुम्हारे पास बहुमत है ना, और तुमने एक प्रधानमंत्री चुन लिया, ठीक है, तो अगर वो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे और अभी भी तुम्हारी पार्टी के पास बहुमत है तो ये तो काम करना बंद कर देंगे, तो राष्ट्रपति कहेगा कि तुम्हारे पास बहुमत है, तुम किसी और को प्रधानमंत्री चुन लो, तो फिर वो किसी और को प्रधानमंत्री चुन लेंगे, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री चाहे तो इस कैबिनेट को रख सकता है कि भैया जो कैबिनेट थी ये कि यही रहेगी, या वो किसी को बदल भी सकता है, ये प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बात तुम समझ गए होंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राज्य राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये नीति आयोग, ये पूछा जाए, नीति आयोग का प्रमुख होता ही राष्ट्रपति है, सॉरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कुछ मंत्रालय होते हैं विशेष जिनका प्रमुख, इनका बागडोर, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्य परिषद देखो है ना, राज्य जल साधन परिषद, बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं, मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है जो पेपर में जाते हैं वो उन पर निर्णय राष्ट्र प्रधानमंत्री ले सकता है और उनका प्रभाव यही होता है। नीति आयोग बहुत पूछा जाता है, अंतर्राज्य परिषद पूछा जाता है, ठीक है, इनका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25, तो इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे संविधान में हमारे प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं लिखी, बस दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य
होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बनेगा ना, वो लोकसभा का या राज्यसभा का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। इस स्थिति में लोकसभा की कितनी है? हमने पढ़ा था 25 है। राज्यसभा की कितनी है? 30 है। ठीक है, राष्ट्रपति की कितनी है? 35 है। उपराष्ट्रपति की कितनी है? 35 है। एज के बारे में हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब न्यूनतम जो अगर वो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो सकता है और लोकसभा की आयु कितनी है? 25, तो न्यूनतम 25 मान ली जाती है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़े कार्यकाल प्रथम, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 माह 12 दिन प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। सो सबसे कम कौन रहे? अटल बिहारी 13 दिन रहे थे। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं, लोकसभा में नहीं गए, कौन थे? चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप। तो याद रखना, बताऊंगा मैं अभी अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है विश्वास प्रस्ताव, क्या होता है ये सब चीज़ें, शून्यकाल क्या होता है, तो तुम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास तो वैसे विश्वास और वैसे विश्वनाथ, ऐसे याद रखना। अविश्वास से यानी कैबिनेट में इन्होंने अपना बहुमत खो दिया था, इस्तीफा देना पड़ा। सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, याद रखना। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ पूछ लिए जाते हैं। अब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही बात है, मैंने बढ़ाया तो तुम्हें कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तुम तो MP जिन्हा के जीतते हो, सांसद, और सांसद ही तो बताएंगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और वो एक मंत्रिपरिषद बनाएंगे। मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट के होंगे, बड़े मंत्रालय, वो कैबिनेट के होंगे प्लस प्रधानमंत्री, मिलकर मंत्रिमंडल बनाएंगे, और राज्य मंत्री और उपमंत्री वो सब मंत्रिपरिषद का पार्ट है। ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी? तो 25 है। ठीक है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा? नहीं भाई, सीधा आंसर है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वप्रथम सर्वाधिक समय तक आसीन, अभी बताया मैंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज़्यादा यही रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? मुरारजी देसाई। अभी तक पद पर रहने कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? 3 की। ठीक है, कितने की? 3 की। देखते हैं नेक्स्ट, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, सबसे कम अधिक उम्र के मोरारजी देसाई, टेट 2019 में क्वेश्चन आया था, मोरारजी देसाई सबसे। भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? तो कितनी भी बार, कोई सीमा नहीं है कि कितनी भी बार भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। संसद सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो निम्न सदन का बहुमत दल का देता। निम्न सदन मैंने बताया था क्या कहता है, जनता का सदन, निम्न सदन, लोकसभा, लोकसभा को कहा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, है ना, नीति अंतर्राज्य परिषद, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो सारे क्वेश्चन तुम आसानी से तुमने लगा लिए होंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ क्लियर कर होगी होगी तुम्हारी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।